देश में चुनावी घमासान अपने चरम पर है और ऐसे में हर पार्टी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी दौरान योगी सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह से खास बातचीत की लाइव टुडे के ब्यूरो चीफ रामानुज भट्ट ने। देखिए, हम चल रहे हैं गोरखपुर के लिए। लगातार जो है विपक्ष भी ये कह रहा है कि हम जीत रहे हैं और सत्ता पक्ष भी यही कह रहा है, आखिर जीत किसकी माने? देखिए, भारत की जनता जो करे उसको मानना चाहिए और जनता जनार्दन करे। अब की बार 400 के पार और जनता को जनार्दन कहा गया और जनता अगर कुछ कहती है तो उसको निश्चित रूप से मानना चाहिए। नेता क्या कह रहे हैं इससे मतलब नहीं, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो पल्स रेट है, जो चीज़ें हैं, हर किसी के मन में है कि मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए और हर कोई मोदी जी को जिताना चाहता है और इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत रही और मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बन गए। अभी आपने कहा प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जीत सुनिश्चित है, लेकिन एक प्रधानमंत्री का दावेदार और हो जा रहा है। जहां राहुल गांधी की आप चर्चा करते हैं, राहुल गांधी के बाद अब एक और प्रधानमंत्री। मुंगेरी लाल के सपने देखने के लिए किसी ने कोई मना नहीं किया है, कोई भी देख सकता है, लेकिन भारत की जनता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बना रही है। विकास के एजेंडे की बात चल रही है, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि विकास किया नहीं 5 साल तक, बिना विकास के ही जनता के बीच में जा रहे हैं और भ्रामक तरीके से प्रचार कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी कह रही कि मेरे पिताजी के बारे में बोला जाता है। पहली बार गरीब लोगों को कुछ मिला है, पहली बार गांव-गांव में विकास दिखाई पड़ा है, पहली बार नरेंद्र भाई मोदी ने गरीबों का खाता बैंकों में खुलवाया, पहली बार गरीब लोगों को आवास देने का काम किया, हर गरीब के घर में शौचालय दिया। कांग्रेस के ज़माने में पैसा देने पर भी गैस का सिलेंडर नहीं मिलता था, नरेंद्र भाई मोदी ने मुफ्त में गैस का कनेक्शन देने का काम किया। तो गरीबों के लिए योजनाओं को जो लागू किया है, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए जो गरीबों को मिला इलाज के लिए, मैं समझता हूँ इससे बड़ी उपलब्धि कोई और दूसरी नहीं हो सकती है। तो ये सब काम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बन रहे हैं। एक चुनौती उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सीट पर दी गई जब उपचुनाव हुआ, उसके अंदर सपा का कैंडिडेट जीते, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद किसी अन्य दल को ही मिला। अब कितनी चुनौती देखते हैं, क्योंकि रवि किशन जो हैं वो चंदौली से आते हैं और यहाँ पर आगे चुनाव लड़े, तो क्या मतलब क्या समीकरण बनेगा? देखिए, अब की बार गोरखपुर की सीट हम भारी अंतर से जीतेंगे, बहुत अच्छी हवा यहाँ पर बनी हुई है और पूरा पूर्वांचल हम बहुत अच्छे से जीत रहे हैं। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त कर रही है। तो ये थे डॉक्टर महेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सरकार है वो सिर्फ विकासवाद पर चल रही है और विकासवाद के नारे को लेकर आगे बढ़ रही है। बात रही गोरखपुर की, तो गोरखपुर के चुनाव के अंदर जो जीत होगी वो भी भारी अंतरों से होगी। कैमरा मैन मानिक चावला के साथ रामनिल भट्ट, लाइव टुडे गोरखपुर।